तो फ्रेंड्स, आज मैं आप लोगों के लिए ऐसा एक रेसिपी लेके आई हूँ जिसमें प्याज लहसुन टमाटर कुछ नहीं होगा, बिल्कुल नॉर्मल तरीके से हम बनाएंगे। और ये सामान हमेशा हमारा किचन में अवेलेबल रहता है। तो फ्रेंड्स, ये वीडियो आप लोग पूरा देखिए, स्किप मत कीजिए। सब्जी ले लिया और लौकी, मीठा कद्दू, फिर तरी, अरबी, ये सब छोटे टुकड़े में काट के धुलाई करके एक प्लेट में ले लिया। और ये सब्जी हम सरसों ऑयल में बनाएंगे। तो मैंने कढ़ाई में तेल डाल दिया और तेल गर्म होने के बाद थोड़ा सा ये पाँच फोरन देंगे, क्योंकि हम जब प्याज लहसुन के बिना सब्जी बना रहे, प्याज नहीं डाल रहे, तो उसमें थोड़ा सा पाँच फोरन देंगे, उसका सेंट अच्छा आएगा। पाँच फोरन गर्म होने के बाद हम जो सब्जी काट के रखे वो सब्जी इकट्ठा कढ़ाई में देंगे और अच्छी तरह फ्राई करेंगे। तो ये सब्जी फ्राई होने में मुझे 15 से 20 मिनट लग जाएगा, क्योंकि अलग अलग सब्जी अलग अलग टाइम लगेगा फ्राई करने में। तो इसीलिए हम ये सब्जी ढक के पकाएंगे और 2-3 मिनट के बाद बाद ढक्कन खुलेंगे और हम ऐसे ऊपर नीचे कर देंगे सब्जी को, सब्जी जैसे नहीं तो हमारा जलने का चांस रहता है। तो फ्रेंड्स, हार्ड टाइम कोई जरूरी नहीं है, हार्ड ना हम जो प्याज लहसुन से बनाए और मसालेदार बनाए, कभी कभी हमें ऐसे भी खाना बनाना चाहिए तो टेस्ट थोड़ा सा चेंज होता है। तो इसमें हम जो डालने वाले हैं वो है मूंग का दाल। तो इसमें हम छिलके वाली दाल, मूंग का नहीं लेना है, जो पीला वाली आता है वही डाले, ज़्यादा नहीं, मैंने थोड़ा सा ही लिया और पहले भिगो कर रखी थी, वही दाल को मैं सब्जी के साथ डाल दिया। ये दाल डालने से सब्जी का टेस्ट और ज़्यादा हो जाता है। और अब इस सब्जी के साथ ये दाल को अच्छी तरह फ्राई करेंगे तो सब्जी भी फ्राई होगा और ये दाल भी गलेगा अच्छी तरह। तो जब तक ये नहीं गले तब तक हम फ्राई करेंगे। अभी एक बार ढक्कन खोल कर देख लेते हैं, नहीं अभी भी लग रहा है सब्जी कच्चा है, तो हमने स्वाद अनुसार नमक दे दिया और अभी ऐसे अच्छी तरह सब्जी को चलाएंगे और हम इसे ढक के रखेंगे। तो अभी नमक डाल दिया, थोड़ा थोड़ा सब्जी से पानी भी आएगा और सब्जी जल्दी फ्राई होगा। अभी हम देखने में लग रहा है सभी सब्जी थोड़ा थोड़ा गलने लगा, अभी अच्छी तरह फ्राई नहीं हुआ, मतलब थोड़ा थोड़ा आधा तो फ्राई हो गया, नरम हो गया सब्जी सब। अभी लेकिन और भी फ्राई करना है, जितना सब्जी फ्राई होगा उतना उसका टेस्ट ज़्यादा होगा। तो अभी इसमें हम डालेंगे मसाला। तो मसाला भी कोई एक्स्ट्रा मसाला कुछ नहीं, हम रेगुलर घर में जो सब्जी में डालते हैं वही मसाला। तो मिर्ची पाउडर भी जितना तीखा खाते हैं उस हिसाब से मिर्ची पाउडर डालना है। और हल्दी पाउडर मैंने छोटे चम्मच से आधा चम्मच हल्दी पाउडर दिया, क्योंकि उसमें ज़्यादा हम मसाला यूज़ नहीं करेंगे। देखें हम नीचे मसाला लग रहा है, थोड़ा सा पानी देंगे और सब्जी को अच्छी तरह चलाएँगे और ढक के रखेंगे। तो ये सब्जी बनाने में फ्रेंड्स हमें उतना टाइम नहीं लगता है और बनाएंगे तो टेस्ट भी अलग होगा। हमेशा हम सिंगल सिंगल सब्जी बनाते हैं, एक जैसा टेस्ट है, मिक्स सब्जी आप लोग बनाकर देखिए उसका टेस्ट अलग ही होता है। तो अभी इसमें हम और एक चीज़ डाल रहे हैं जो है मूंगफली का पाउडर। उसको मैंने पहले कढ़ाई में भूज के और मिक्सी में पाउडर करके रखी थी। ये मूंगफली के पाउडर के बिना ही सब्जी बनता है, लेकिन ये पाउडर डालने से सब्जी का खाने में अच्छा लगता है, टेस्ट भी ज़्यादा होता है। तो नीचे मेरे थोड़ा थोड़ा लग रहा है सूखा पड़ रहा है, तो इसलिए मैंने थोड़ा सा और पानी डाला और अच्छी तरह और 2-3 मिनट तक फ्राई करेंगे। ये मूंगफली का पाउडर सब्जी में डालने से सब्जी का टेस्ट ज़्यादा हो जाता है और ऐसे ढक के रखेंगे। अभी और एक बार ढक्कन खोल कर देखते हैं। तो सब्जी अभी देखने लगा, पूरा सब्जी फ्राई हो चुका है, दाल भी पूरा गल गया, मतलब सब्जी पूरा फ्राई हो चुका है। तो अभी हम उसका ज़रूरत के हिसाब से पानी डाल पाएंगे। तो हम ये सब्जी को पूरा पतला नहीं बनाएंगे, जैसे गाढ़ा गाढ़ा बनाएंगे। जब हम सर्व करेंगे गर्मा गर्म प्लेट में देंगे तो अब सब्जी का नीचे पूरा तरह तरी रहेगा, उस हिसाब से हम पानी रखेंगे, क्योंकि ये सब्जी पूरा पतला अच्छा नहीं लगता है और पूरा सूखा वो बनाएंगे वो भी अच्छा नहीं लगता है। तो मैंने देखिए ज़्यादा पानी नहीं डाला, बस थोड़ा सा पानी डाला और गैस का फुल करके रखेंगे अभी। और अभी अच्छी तरह जब तक सब्जी का उबल ना जाए तब तक ये सब्जी को 3-4 मिनट होगा लगेगा अभी पकाने में, पकाएंगे अभी। और इसमें हम जीरा धनिया पाउडर सब नहीं डाले, तो अभी और डाल देते हैं। तो जीरा पाउडर भी छोटे चम्मच से 1 चम्मच डालेंगे और धनिया पाउडर भी उतना ही डालेंगे। तो फ्रेंड्स, जीरा पाउडर मैं घर में तैयार करती हूँ, बाजार का जीरा पाउडर मैं तैयार नहीं यूज़ नहीं करती कभी, क्योंकि उसमें सेंट नहीं रहता है। और पहले भी मैं एक वीडियो में आप लोगों को बताई, जीरा पाउडर हमेशा लास्ट में डालना, क्योंकि जीरा का सेंट रहता है। मैं घर में जीरा पाउडर के साथ काली मिर्च देखे मिक्सर में पाउडर करके रखती हूँ, तो उसका सेंट अलग ही होता है, अच्छा लगता है। अभी हम सब्जी बन के रेडी है, उसमें ऊपर से 2 चम्मच घी दे देंगे तो सब्जी का टेस्ट और ज़्यादा होगा। तो बस रेडी है हमारा मिक्स सब्जी, अभी गर्मा गर्म प्लेट में ले लेते।
तो फ्रेंड्स आप लोग ऐसे रेसिपी पूरा आज देखिए और आप लोग घर में ऐसे बनाइए, परिवार को खिलाइए और मुझे कमेंट सेशन में कमेंट करके बताइए कैसा बनाइए सब्जी। देखिए जितना उसका कलर है खाने में भी उतना ही टेस्ट है, देखने में भी कितना अच्छा लग रहा है। ये सब्जी हम रोटी चावल के साथ खाएंगे, अच्छा लगेगा और पसंद आए ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर कीजिए। ओके थैंक यू पूरा वीडियो को देखने के लिए।